गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जय हिंद. ठीक है, सो वेलकम टू दी 12th क्लास ऑफ परसेंटेज. राइट, अप टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड कितना, 9 टाइप्स. पता है 9 टाइप्स कितना होता है? बाप रे, बहुत बहुत बहुत. कहा आपको कुछ नहीं आता था और अब आपको बहुत कुछ आता है. बट दिस डजंट मीन कि आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. हम आपको एक चीज आज मुंह खोल के एकदम स्ट्रेट बोल रहे हैं, ठीक है? Do not expect कि आप एक बार पढ़ लिए तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा. आई एम फोकसिंग ऑन कंसेप्ट फर्स्ट. देखो, अगर आपको एग्जाम्स निकालना है या मैथ्स सीखना है तो मैथ्स दो चीजों से, दो सी से बना है. ये दोनों सी बहुत ध्यान से समझना. ये दोनों सी जब तक आपका परफेक्ट नहीं है तब तक आपका मैथ्स परफेक्ट नहीं हो सकता. किसी एक सी में भी झोल है तो दिक्कत हो जाएगा. सबसे पहला सी है कंसेप्ट, जो अभी आप हमसे सीख रहे हो, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी है. नंबर वन कंसेप्ट. अगर ये क्लियर नहीं है तो जीवन में कभी मैथ नहीं सीख पाओगे. समझे बात? ऑब्वियस है ना. मान लो आपको यही नहीं पता कि पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व कैसे करोगे? आपको यही नहीं पता कि इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर में रेशियो मेथड लगता है, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह आपको यही नहीं पता वोटर में ऐसे ऐसे ट्री बनाते हैं तो कैसे करोगे? तो वो चीज होता है कंसेप्ट. अब आप गेस कर लिए होगे आईक्यू होगा तो. दूसरा सी क्या है? वो चीज आपको कोई नहीं सिखा सकता दुनिया में, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं. मार्क माय वर्ड्स, वो है कैलकुलेशन. ये चीज आप खुद खुद को सिखा सकते हो, और ये कोई सीखने का चीज नहीं है. ये बस विद टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट होता है. आपको मैं एक ऐप बताए थे बहुत पहले जब आप स्टार्ट किए थे तभी, उसी ऐप, बस वो, उससे भी आप कुछ खास नहीं सीखोगे. बस वो एक टूल है टू प्रैक्टिस कैलकुलेशन. और माय पॉइंट, कैलकुलेशन का भले ही आपको दुनिया भर का हम ट्रिक्स बता दे, कुछ भी बता दे, लेकिन भाई आपको 253 × 17 ये चीज तो खुद ही करना होगा. 17 का टेबल याद करके कैसे होगा? जब आपको मास्टर है अब खुद करोगे. 17 × 51 5 कैरी, 17 × 85 5 × 90 9 कैरी, 17 × 34 और 9 × 43. अब ये चीज आपको दुनिया में कोई सिखा सकता है? आप बताओ. कोई अगर बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है. आपको हम ये सिखा सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग 17 का टेबल यूज करके इंटू करेंगे, इन ये प्रोसेस करना कौन सिखाएगा? आप ही कर सकते हो. तो पहला वाला सी तो हम आपको पूरा सिलेबस का सिखा देंगे, पर दूसरा वाला सी सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप इम्प्रूव कर सकते हो, और वो है कैलकुलेशंस का. बस यही एक चीज रहेगा कि जब कोई भी चैप्टर खत्म होगा तो हम आपको 30-40 क्वेश्चंस एक या दो क्लास देते हैं हर चैप्टर के बाद देते हैं रिवीजन के लिए, कि उसमें हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चंस करेंगे मिक्स मिसलेनियस, ताकि आपको प्रैक्टिस और रिवीजन हो. व्हाट माय पॉइंट? लेकिन डू नॉट इग्नोर दिस सेकंड वाला सी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला सी, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. कंसेप्ट क्लियर करो पहले पूरे अच्छे से, उसके बाद कैलकुलेशन में फोकस करना. दोनों चीज एक साथ हैंडल नहीं कर पाओगे आप. तो पहले कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए तब कैलकुलेशन में फोकस करना. आपको एक चीज समझ में आएगा, क्वेश्चन कभी अलग नहीं होता. जब आप वही क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो आपसे नहीं होगा, मेरे को दोगे तो हम सॉल्व कर देंगे, आपको लगेगा इतना आसान था. यानी कंसेप्ट तो वही होता है, लेकिन हाँ कैलकुलेशंस तो इन्वॉल्व रहता है. जब हम सिखाते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, 12 नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है 84, इससे कितना गुना? 7 गुना. बट आप एक्सपेक्ट करना कि जब अभी लेटेस्ट वाले एग्जाम का क्वेश्चन पे ऐसा नहीं आएगा, आपको मिलेगा 12 नहीं 6752. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, करना पड़ेगा आपको, काटना पड़ेगा 12 से. उस टाइम मेरे को आके मत बोलना, कंसेप्ट तो पूरा सेम ही है ना, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा ना बाबू, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, वो बस एक ही चीज है, the more you practice, the more you will become better. चलो जी, बहुत ही बात हो गया, लेकिन दो सी के बारे में आपको हम बता दिए, ताकि आप डर मत जाना क्वेश्चंस देखकर. कभी आगे कभी कहीं देखो तो कैलकुलेशंस होगा, हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं बदलता. अगर आप एक बार परसेंटेज का सारा कंसेप्ट सीख गए तो इतना बस समझ लेना कि उससे बाहर आपको यूज नहीं होगा कंसेप्ट का. बट कैलकुलेशन ऐसा चीज है जो क्लियर नहीं है ना, तो कंसेप्ट लेकर भी क्या ही कर लोगे. बात मेरा समझे? आप 12 तक निकाल लिए, लेकिन अगर इसको काट नहीं पाए तो फिर तो आप फेल ही हो गए. चलिए, आज हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज का एक बहुत 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 नहीं, मोस्ट 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप चाहे कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई भी पेपर उठाओगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको गारंटी लिखित बोलते हैं परसेंटेज से अगर सवाल आया है तो इस टॉपिक से आना ही आना है. किसी ना किसी शिफ्ट में आना ही आना है. हम लोग इस टॉपिक से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 तरीका का सवाल सीखेंगे, और चारों इतना प्यार से हम आपको सिखाएंगे, ना आपको कुछ याद करना पड़ेगा इस टाइप को, और लोग फॉर्मूला से या बुक से आज पता नहीं कैसे पढ़ता है, आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, और एक भी चीज हम लोग रटेंगे नहीं.
सबसे बड़ा मजा की बात। बट यही है कि पूरा अभी तक जितना हम लोग पढ़े आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, देन ओनली ये टाइप आपको मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो बस आप हेडिंग लगा लो परसेंटेज टाइप 10। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसको आज पूरा ये पूरा क्लास ले लेगा आज का, और शायद इसका डाउट्स भी आपको कल हो। नहीं, अगर आप आज का क्लास अच्छे से करोगे तो डाउट्स नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक आज हम लोग डिवास्टेट कर देंगे पूरा का पूरा। स्टार्ट करें भी? चलिए एक एक करके आराम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक और चीज लिख देना आप, प्राइस एंड कंजम्पशन, और इसको हम लोग एक वर्ड लिख देना एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ठीक है, सो प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, ये है पूरा टॉपिक। चलिए ठीक है, आराम से स्टार्ट करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चों को कंफ्यूज होता है, तो हम बहुत स्लो पढ़ाएंगे ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए और दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, क्योंकि हम चाहते हैं आप एक ही बार में क्लियर कर लो, ठीक है? इसलिए एकदम स्लो स्लो बात करेंगे। चलिए, कोई भी टॉपिक आगे बढ़ने से पहले आपको पता है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि टॉपिक है किस बारे में। जैसे हम लोग इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर पढ़ रहे थे तो उसका मतलब समझे थे कि तुषार का पेमेंट था 10 लाख रुपया महीना का, वो 1 लाख रुपया महिला मित्र के ऊपर उड़ा देता है तो बचा कितना 9 लाख, ऐसी ना बोलते थे। इसी तरह यहाँ पे प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, मान लीजिए आप ना हम लोग सब आलू खरीदने गए मार्केट, ठीक है, पोटेटो खरीदने गए, और 1 किलो आलू का दाम ठीक है था 20 रुपए किलो। तो जो पोटेटो का दाम था वो था 20 रुपया प्रति किलो, 20 रुपीज पर केजी, ठीक है जी। ओके, आप दुकानदार के पास गए, आप पूछे बेटा भैया आलू कैसे है, तो बोला 20 रुपया किलो। ये जो 20 रुपया किलो दुकानदार आपको दाम बताया, क्या बताया, दाम बताया, तो इसको क्या बोले, बोलिए प्राइस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही तो है प्राइस, बहुत सिंपल। चल, दुकानदार आपसे पूछा आप कितना किलो लेंगे बताइए, तो आप बोले कि हम 5 किलो आलू लेंगे। कितना किलो लेंगे? 5 किलो आलू लेंगे। तो ये जो 5 किलो आलू आप खरीदे, 5 केजी ऑफ पोटेटो जो आप खरीदे, ये क्या है आपका कंजम्पशन ही तो है। कंजम्पशन मतलब होता है किसी का खपत, कि कितना खपत है। मान लीजिए कोई 50 किलो आलू खाता है पूरा फैमिली किसी का, तो उसका खपत, उसका जो कंजम्पशन है, कंज्यूम करने का कंजम्पशन जो है वो कितना है 50 केजी। ओके डियर, यहाँ पे हम लोग मान लिए 5 केजी, तो ये 5 किलो क्या है आप बोलो, कंजम्पशन ही तो है, कंजम्पशन, ठीक है। प्राइस आप समझ गए 20 रुपए किलो, जो भी चीनी का, आलू का, कुछ भी राइस का, ऐसे करके बोलेगा, भी बहुत सब हम लोग करने वाले, इतना कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और प्राइस आप समझ गए, कंजम्पशन मतलब कितना किलो खपत है, कितना किलो खरीदते हैं, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा। अब आप बताओ, आप 20 रुपए किलो आलू खरीदे और 5 किलो आलू लाए, जब 20 रुपए प्रति किलो का क्या 5 केजी आलू लाएंगे तो कितना खर्चा होगा आपका, 100 रुपीज ही तो होगा, 100 रुपीज ही तो होगा। ये जो किए बस चैप्टर खत्म हो गया, इतना सा बात है, इसी को बोले एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आप बस अगर ये वाला बात समझ गए ना कि 20 रुपए किलो आलू है, 5 किलो खरीद कर लाए तो खर्च कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 100 रुपया, 100 रुपीज, चैप्टर खत्म होता है, बस यही है। आपको पता है हम कैसे पढ़ाते हैं, वैसे ही पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग को, मेरा शुरू से ही था आई डोंट नीड फॉर्मूलास, मेरे को सब कुछ समझ आना चाहिए। तो आपको इतना समझ आ गया, आप सब समझ गए। बट एक चीज और हम आपको पहले ही बता देते हैं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। देखो, तो आप यहाँ से क्या सीखे, यहाँ से आप एकदम छोटा सा चीज सीखे जो आपको रटने का भी जरूरत नहीं है, कि एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। पर क्या ये चीज आपको फॉर्मूला लग रहा है, कोई याद करने का है? क्यों, प्राइस मतलब 20 रुपया प्रति किलो आलू है और आप 5 किलो खरीद कर लाए तो खर्च कैसे निकलेगा, 20 × 500, तो ये चीज तो कोई फॉर्मूला नहीं है, गॉट इट। ओके, पर ये जो अगला मैं बता रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान से आप समझना, बहुत ही प्यार से, ठीक है। लिखो, इफ इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर इज सेम, सेम लिखिए और बेटर समझ में आएगा। इफ एक्सपेंडिचर इज सेम, सर समझ नहीं आया इसका मतलब, बहुत प्यार से आप समझो, बस लिखते जाओ। अगर एक्सपेंडिचर सेम हो जाए, तो अगर प्राइस मेरा ए से बी हो रहा है, प्राइस मेरा ए से बी हो रहा है, सर ये ए से बी प्राइस ये सब क्या है हम समझे नहीं, चलिए आपको पूरा क्लियर कराते हैं अच्छे से। अब आप पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन समझाते, चलिए लिखिए। क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ पोटेटोज, द
प्राइस ऑफ पोटेटोस, आलू का जो दाम है ना उसमें 20% का वृद्धि हो गया। द प्राइस ऑफ पोटेटोस इज इंक्रीज बाय 20%। लिखिए, द प्राइस ऑफ पोटेटोस, ये आज के क्लास का पहला सवाल भी है। द प्राइस ऑफ पोटेटोस इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है जी, आपको एक नॉर्मल सा रूल बताते हैं लाइफ का। आपको ही पता है इकोनॉमी का है, नॉर्मल सा बात है। जैसे आप अभी देखे होंगे कि पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, बढ़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। एक बार बीच में आपको याद है कि नहीं याद है, टोमेटो का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, टमाटर आई थिंक 200-250 क्रॉस कर गया था। तो आप याद करो, जब टमाटर का दाम बढ़ा था तो आपको याद है सब कुछ टमाटर खाना कितना कम कर दिया था, 200-300 रुपए किलो। आप बहुत रिच हो गए तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली मेरे घर में तो बहुत इधर टोमेटो, इतना महंगा कौन लाएगा भाई, एक एक दो दो ऐसे यूज कर देते। एक बार ऐसा ही हुआ था ना टोमेटो के बारे में, आप सुने हो। तो जब किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है ना, तो इट्स ऑब्वियस कि लोग उसका कंजम्पशन कम कर देते हैं। और जब किसी, मान लो कि आज हम आज सरकार अलाउ कर दे, अनाउंस कर दे कि जो सोना है ना वो 5 रुपए किलो, जस्ट इमेजिन कि सोना 5 रुपए किलो हो जाए, क्या होगा आप बोलो? वापस आए क्या? सिग्नल इशू था वाईफाई का, एक बार कंफर्म कर दीजिए तो। अभी ठीक है? हेलो, अभी ठीक है? वो वाईफाई का इशू था, कुछ नेटवर्क इशू। ओके थैंक यू, चलिए वापस आते हैं। ठीक है, देखो तो मान लीजिए कि सरकार अनाउंस कर दे कि सोना जो है वो 5 रुपीज पर किलो। अब इमेजिन करिए 5 रुपए किलो अगर सोना हो जाएगा, भाई साहब लोग तो पागलों की तरह नहीं चल जाएगा गोल्ड शॉप पे, बात समझिए? यानी जब किसी चीज का वैल्यू कम हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है, तो कंजम्पशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ऑब्वियस है। और जब किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो कंजम्पशन कम हो जाता है। जैसे अभी पेट्रोल बहुत महंगा है तो लोग कितना भी, लेकिन जानते हो अनचाहे हुए दे थिंक अबाउट इट, भाई पेट्रोल महंगा है। पहले क्या था, कम था तो मतलब नॉर्मल थे, सोचते नहीं थे उतना ज्यादा, लेकिन अभी कहीं ना कहीं एक बार तो मन में लग ही जाता है भाई पेट्रोल महंगा है, थोड़ा तो सोचो, यानी थोड़ा तो कुछ बचत करो। गॉट माई पॉइंट? तो जब प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली घटता है, और जब प्राइस घटता है तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कब? क्योंकि हम लोग का जेब कांस्टेंट है। अब मान लीजिए आपका इनकम भी 10 गुना बढ़ जाए, इमेजिन करो प्याज टोमेटो भले 20 रुपए किलो हो जाए, 200 रुपए किलो हो जाए, बट आप पहले 1 लाख, 1 लाख चलो पहले आप नॉर्मल 10 हजार कमाते थे, और आपका इनकम बढ़ के 20 लाख हो जाए, तो क्या आप सोचोगे? फिल्म सास लोग सोचते हैं, नहीं ना। ये सारा प्रोसेस किसके लिए हो रहा है? मिडिल क्लास के लिए, जिनका इनकम सेम है, यानी जो पहले भी पॉकेट से उतना ही खर्च कर सकते थे, अभी भी उतना ही खर्च कर सकते हैं, लेकिन मतलब बात समझे, इसी को बोल रहे हैं हम इफ एक्सपेंडिचर इज सेम। यानी अपन मिडिल क्लास वाले लोग, क्या हो रहा है, हम लोग का जो साला इनकम सेम है, इनकम तो बढ़ नहीं रहा, यानी जितना पैसा आ रहा है हम लोग खर्च तो उतना ही ना कर पा रहे हैं। महीना का जो राशन का था वही लिस्ट है, लेकिन क्योंकि अब प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन घटेगा। ठीक, कैसे घटेगा? इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर प्राइस मेरा ए से बी हो रहा है तो जो कंजम्पशन है वो बी से ए होगा, बी से ए होगा। सर नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि पोटेटो का दाम में 25% का बढ़ोतरी हो गया, आलू का दाम में 25% बढ़ गया। 25% का फ्रैक्शन एवरीवन शुड नो कितना होता है, बोलो? 1/4, यानी जो पोटेटो का दाम है वो 4 से 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, जो पोटेटो का प्राइस है वो 4 से 5 हो गया, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है। तो अगर प्राइस मेरा 4 से 5 हुआ है तो डियर कंजम्पशन क्या होगा, 5 से 4 रिवर्स हो जाएगा। बस इतना सा बात आपको समझना है। देखो ऐसा क्यों हुआ ये भी आप समझ लो। देखो रिवर्स करेंगे तभी आप देखो दोनों साइड में खर्च कितना निकलेगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन, यहां भी कितना आया ए बी, और यहां भी कितना आया ए बी, यानी दोनों ही केसेस में देखो खर्चा सेम हुआ। ये सेम तभी और तभी ना पॉसिबल है जब हम लोग इसको रिवर्स कर दे। इस केस में भी आप देखो, पहले कितना खर्च हो रहा था 20 रुपया, और अभी कितना हो रहा है 20 रुपया, यानी दोनों ही केसेस में एक्सपेंडिचर को सेम करना था, सेम करना था। इसीलिए अगर प्राइस मेरा ए से बी तो कंजम्पशन बी से ए। आप बस ये वाला पार्ट नोट्स बना लो, इसके बाद जितना कुछ है हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा देंगे। ठीक है जी, पूरा क्लियर? बात एकदम सिंपल सा इतना है। मिडिल क्लास वाले लोग हैं, खर्च तो उतना ही करेंगे, पहले जितना कर रहे थे इनकम तो बढ़ा नहीं, तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है ना भाई, जितना पैसा पहले पे करते थे
उसमें क्या होगा बोलो, कम सामान आएगा. गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट? तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो सामान कम आएगा, प्राइस अगर घट जाएगा तो सामान ज्यादा आएगा. गॉट माई पॉइंट? यही पूरा प्राइस कंजम्पशन का कंसेप्ट है और इसमें कुछ भी रटने का नहीं है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. आपको एक एक करके सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप बस बने रहो. चलो, द प्राइस ऑफ पोटेटोज इज इंक्रीज बाई 20% एंड कंजम्पशन ऑफ पोटेटोज इज डिक्रीज्ड बाय, इज डिक्रीज्ड बाय, चलो इंक्रीज ही कर दो, इज इंक्रीज्ड बाय 20%. तो बोलता है प्राइस भी 20% बढ़ गया, कंजम्पशन भी 20% बढ़ गया. आप बता सकते हो क्या पूछेगा? कॉमन सेंस आप लगाओ. प्राइस के बारे में आपको बता दिया, कंजम्पशन के बारे में आपको बता दिया, तो यही ना पूछेगा खर्चा कितना बढ़ा. ऑब्वियसली खर्च बढ़ने वाला है. एक तो प्राइस बढ़ा, ऊपर से आप अपना घर का कंजम्पशन भी बढ़ा दिए, तो खर्च तो आपका बढ़ेगा. तो वही पूछ रहा है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर. आपको ये बताना है खर्च कितना बढ़ा. ठीक है, उम्मीद है कि आप ये वाला लिख लिए होंगे, हम मिटा रहे हैं इसको. ठीक है जी, बहुत कम जने हैं आज. नेहा, स्वर्णदीप, तुषार, समरीन, रिंकी, पीयू, इतना कम जन. भाई आप लोग का सीएचसीएल का एग्जाम कब कब है वैसे? पीयू आपका कब है, कौन से डेट को है और कौन सा सिटी? कोलकाता? आप लोग कोलकाता भेज दिया क्या? तुषार है आपका सीएचसीएल का कब है? 8 जून, 10 जून. गुड जॉब, आप लोगों को काफी टाइम मिल गया. तुषार 2 जून. समीन आपका कब है? 9 जून. आप लोग अच्छा खासा टाइम मिला है, ग्रेट जॉब. मॉक्स दे रहे होगे उम्मीद है आप लोग, पता है आप लोग कैसे क्या करना है. मॉक्स देते रहना और बाकी ठीक है, अपना बेस्ट दीजिए और क्या ही बोल सकते हैं. चलिए, ज्यादा वक्त तो हुआ ही नहीं मेरे भैया साथ. क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना लिखे क्या करें, हाँ जीवन में क्वेश्चन लिखे कुछ मिला है? सॉल्यूशन समझ लो, क्वेश्चन लिखकर क्या ही हो जाए. हमको लिखना पड़ेगा, आप सामने से हटी है. ठीक नहीं लिखे, नहीं देंगे लिखे. सबसे नहीं, हाँ बिना एकदम मतलब ऑफ टॉपिक आप आ जाते हैं. हाँ बिल्कुल, कहाँ बात कर रहे थे इतना सीरियस सा, ऑफ टॉपिक आके पूरा मोमेंटम ही बिगाड़ दिया. चलिए, ओके जी, चलिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? प्राइस जो है 5 से 6, ये सब तो बोलना भी मत, 12 क्लास हो गया है. 1/5 बढ़ गया यानी 5 से 6. और जो कंजम्पशन है वो भी 20% बढ़ गया यानी 5 से 6. अरे सर आप तो झूठ सिखाए, मतलब आप तो गलत बोले थे कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन घटेगा, यहाँ तो बढ़ गया. यार वो तो केस ही अलग था, वो तो मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे थे जहां पे एक्सपेंडिचर चेंज ही नहीं होने वाला था. यहाँ तो एक्सपेंडिचर बदला है. गेटिंग इट और नॉट? वो जो केस था जहां पे प्राइस अगर बढ़ेगा कंजम्पशन घटेगा, कब? जब मिडिल क्लास वाला क्वेश्चन हो, यानी पैसा सेम होना चाहिए, कांस्टेंट खर्चा. पर यहाँ पे तो खर्चा ही बदल गया, तो खर्चा तो बदल रहा है तो इट्स ऑब्वियस ना, बात समझे? चल अब आप बताओ एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन. लेकिन क्या ये कोई फॉर्मूला है? अरे नहीं यार, इसका बात आप समझो बहुत प्यार से. पहले आलू 5 रुपए किलो था और आप कितना आलू खरीद के लाते थे? 5 किलो. तो खर्चा कितना होता है? 25 रुपया. कुछ भी जरूरत ही नहीं है याद करने का. 6 रुपए किलो अब आलू हो गया और आप 6 किलो खरीद के लाने लग गए, तो खर्चा कितना हो गया? 36 रुपया. क्लियर इट और नॉट? सुपर. यानी पहले जहां 25 रुपया खर्च होता था, अभी 36 हो रहा है. कितना बढ़ गया बताइए? प्लस का 11. किसके ऊपर? हमेशा लेफ्ट वाला ओरिजिनल होता है, 25 के ऊपर, परसेंट के लिए इनटू 100. 25 से कट गया 4 बार में, 44% इज आवर उत्तर. और क्या हुआ है? इंक्रीज, यानी 44% इंक्रीज. एवरीवन
इज इट क्लियर? पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया? हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं? सभी को क्लियर हो गया पूरा? सेवन थम्स अप और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाहत नहीं है क्या क्लास में? नहीं है, कॉल किया था, क्लास ही नहीं आया आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? डोंट वरी, थोड़ा सा भी डाउट है, चार टॉपिक में चार 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 16 सवाल हो जाएगा एकदम अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बहुत प्यार से, और हम चाहते हैं आप इसको सॉल्व करो, बहुत आराम से सॉल्व होगा, मेरा जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लिखिए, बोलते द प्राइस ऑफ सुगर, चीनी का दाम में 20% का इंक्रीज हो जाता है। प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। जो चीनी का दाम है, मूल्य है, उसमें 20% का वृद्धि हो जाता है। एंड कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड बाय 25%। और जो कंजम्पशन है, और जो कंजम्पशन है इज रिड्यूस्ड बाय 25%। प्राइस में 20% का प्लस और कंजम्पशन में 25% का माइनस। आप तो अब समझ गए टॉपिक, प्राइस कंजम्पशन गिवन है, तो क्या पूछेगा आपको पता है? क्यों मेरे से वेट कर रहे हो? फाइंड परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर। चलो फाइंड परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर, और इस बार आई वांट थोड़ा ज्यादा आंसर देना प्लीज। फाइंड परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, एटा दो नंबर ना, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। हाँ, क्वेश्चन छोड़िए, आंसर दे दो पहले आप। चलिए एक या दो क्लास और परसेंटेज का सारा टाइम्स खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग करेंगे रिवीजन एंड प्रैक्टिस, कम से कम दो या तीन क्लास, उसके बाद हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे। चलिए, प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 20%, यानी जो प्राइस है उसमें 5 से 6 हो गया। कंजम्पशन इज रिड्यूस बाय 25%, माने 1/4, यानी 4 से 3 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा बोलो? प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब आप एक चीज बोलो, ये सक्सेसिव ही तो हो गया। सक्सेसिव में यही ना सीखे थे कि दो चीज को लेकर ऐसे गुना करना? अब आप एक काम नहीं कर सकते हो, जो कटे काट दो, तो 2 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, यानी 10 से 9। दिस मीन्स की जो एक्सपेंडिचर है, पहले अगर 10 रुपया खर्च करते थे, अभी 9 रुपया खर्चा करते हैं। कितना का डिक्रीज हुआ? 1 का। किसके ऊपर? हमेशा ओरिजिनल के ऊपर, यानी 1/10। 10% अगर आप आंसर दिए तो आप गलत हो, आपको पहले ही बताया है, ऑप्शन में हमेशा दोनों प्रेजेंट होता है, सो यू हैव टू टेल क्या हुआ है डिक्रीज, यानी 10% डिक्रीज। होप यू आर हैप्पी। लेट मी चेक आउट, फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम होम, सो द फर्स्ट आंसर कम्स फ्रॉम पीयू पाल, समरीन तुसार वेरी बैड, स्वनदीप तुसार हैज करेक्टेड हिज मिस्टेक, फिर रिंकी। चलिए ठीक है, पता नहीं 2 साल 40 क्यों दे रहे थे अब, लेकिन हमको लगता है आप लोग समझ आते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसे हलवा वाला, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ठीक है, गुड जॉब। बोलते हैं द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। बोलता है कि जो सुगर का प्राइस है वो ना 30% बढ़ जाता है, और जो कंजम्पशन है वो 30% घट जाता है। 30% घट जाता है, आपको वही बताना है। अगर प्राइस दे दिया, कंजम्पशन दे दिया, तो इट्स गारंटीड कि क्या पूछेगा? एक्सपेंडिचर ही तो पूछेगा। चलिए बताइए, आपको एक जादू याद आ रहा है मेरा? आपको हम जब सक्सेसिव पढ़ा रहे थे, तुम पहले क्लास में एक जादू सिखाए थे, याद है स्वर्णदीप, कि अगर एक चेंज आए प्लस का 20%, माइनस का 20%, प्लस का 40%,
माइनस का 40%, तो हम लोग एक सेकेंड में मैजिक कर सकते हैं और जादू से आंसर निकाल सकते हैं। वो क्या मैजिक था कि 2 2 जा 4%, 4 4 जा 16%, और ऑलवेज डिक्रीज। अब आप जान के शॉक हो जाओगे, लेकिन ये कंसेप्ट तो यहाँ पे भी लग रहा है। यानी क्या हमको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने का जरूरत था? आप बेवकूफ हो जो आप पूरा सॉल्व कर रहे हो बैठ कर। अगर मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो मुश्किल से आई वुड हैव टेकन 1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि प्राइस का रेशियो एक बार, कंजम्पशन का रेशियो एक बार, एक्सपेंडिचर यानी सक्सेसिव ही तो है। अब अगर एक में मेरा प्लस का 30% है और दूसरे में मेरा माइनस का 30% है, यू नो इट वेरी वेल, 9% डिग्रीज इज आवर आंसर। कितना मजा आया आप बोलो। तो आप जो उस दिन वो चैप्टर वो वाला चीज सीखे थे वो टॉपिक का, देखो कहां जाके अप्लाई हुआ। और ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल था। वो चीज पता है कितना जगह अप्लाई होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या आपको समझ में आया? पीयू वेरी बैड, समरीन का आया है पहला आंसर, नहीं फिर पीयू, फिर तुषार, फिर स्वर्णी। ये चीज आप कर पाए थे ऐसे डायरेक्टली एक सेकंड में कि आप लोग ऐसे किए थे कि प्राइस मेरा 10 से 13, कंजम्पशन मेरा 10 से 7, तो एक्सपेंडिचर 100 से 91। भाई बात को समझिए, ये तो भाई मजा है ना, दिस इज मैजिक, मैजिक इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। बात समझे? यानी कि 9% डिक्रीज, गॉट इट? नेक्स्ट वाला आप करना मत, बस खाली आंसर दे दो, हम खुश हो जाएंगे। प्राइस में ना 70% का इंक्रीज हुआ और कंजम्पशन में ना 70% का डिक्रीज हुआ। जल्दी बताइए विदाउट पेन एक सेकंड में कि क्या हुआ और कितना परसेंट का डिक्रीज। जल्दी जल्दी, इतना टाइम, अब तो मतलब मजा आ गया होगा। प्राइस में प्लस का 70, कंजम्पशन में माइनस का 70, बताओ आंसर यार। गजब आप लोग कर रहे हो, बेइज्जती मेरा, इतना प्यार से आपको पढ़ा, ऐसे करोगे? बोलो जल्दी, भर दो आंसर से यार, कम ऑन। तो आपको पता है ना क्या आंसर आएगा? 7 7 जा 49% एंड ऑलवेज डिक्रीज। बस एक और आप बता दो, दिल से खुश हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। एक और मेरे को आप बताओ, अगर प्राइस मेरा 13% बढ़ जाए, अगर प्राइस मेरा 13% बढ़ जाए और कंजम्पशन मेरा, इसको आप नोट्स में ऐड कर लेना, और कंजम्पशन मेरा 13% घट जाए, किसको याद है? जल्दी बताइए, फाइंड परसेंटेज, ये वाला बता दो, देखो आपको मजा आ जाएगा। मेरे को पता है आप बता दोगे, लेकिन सब क्या बता पाएंगे? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, याद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का? अब देखो इसको हम लोग प्राइस कंजम्पशन में भी अप्लाई कर दिए। आई होप यू फेल्ट इट गुड, आपको मजा आ रहा है, आपको समझ आया। और ये प्राइस कंजम्पशन का पार्ट वन था जो कि पूरे अच्छे से क्लियर हो गया। इस पार्ट में हम लोग क्या सीखे कि अगर हमको प्राइस के बारे में बता दिया जाए, कंजम्पशन के बारे में बता दिया जाए, तो हम एक्सपेंडिचर बच्चा जैसा निकाल सकते हैं। हम लोग आएंगे पार्ट टू में, सो गेट रेडी। इसका आंसर आपको याद है कैसे करते थे? एक बार प्लस का 13%, एक बार माइनस का 13%, तो 13 का स्क्वायर 169। अब क्योंकि यहाँ पे 0 0 नहीं है, 30 30 में 0 0 होता था तो कट जाता, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 digit point लगा देंगे, यानी 1.69% डिक्रीज। इसमें अगर आपको डाउट है, इट्स नॉट माय फॉल्ट, यू हैव नॉट स्टडीड अर्लियर क्लासेस, आप जाओ सक्सेसिव का पार्ट वन पढ़ो, एक एक चीज पढ़ाया हुआ है उसमें। नाउ लेट मी चेक योर रिस्पॉन्सेस, वेरी वेरी गुड। तो 49 वाला समरी एस वन दी, वाई 4.9, वेरी बैड, नो 4.9, उसमें तो 7 7 49 ही होगा ना, यहाँ पे पॉइंट लगेगा जब नंबर्स गिवन है। इसका पहला आंसर आया था उसका 49 में समरीन का, और इसका पहला आंसर आया है पीयू का। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम, मैग्निफिशेंट, एब्सोल्युटली फेनोमिनल। चलो आगे बढ़ते हैं, गुड जॉब। सो ये हम लोग का प्राइस कंजम्पशन का पार्ट वन खत्म हो गया। कितना मतलब आराम से हम लोग पढ़ लिए ना, ऐसा लगा यार कुछ पढ़े ही नहीं, बट सब कुछ पढ़ लिए। हम लोग आते हैं पार्ट टू में, सो गेट रेडी। पार्ट टू में हम लोग वो सीखेंगे जो बात हम आपको मिडिल क्लास वाला बता रहे थे। अब एक बार और इस पे अच्छा से जोर दीजिएगा और ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। देखिए हम आपको ये बोले कि मिडिल क्लास लोगों के साथ क्या होता है, जितना पहले इनकम था बेचारे लोग का, अभी भी हम लोग का उतना ही इनकम है, लेकिन सरकार यार दाम बढ़ाते जा रहा है। प्याज का दाम पहले मान लीजिए प्याज का दाम 500 रुपए हो जाए, और हम मार्केट पहले दाम था 100 रुपए किलो, हम 500 का नोट लेके जाते थे मार्केट और मस्त 5 किलो प्याज लेकर आते थे, वेरी हैप्पी। कल को साला सरकार कर दिया 500 रुपए किलो, पर मेरा तो भाई पैसा प्याज के लिए 500 ही है,
तो अगर हम वो 500 रुपया लेके मार्केट जाएंगे तो क्या 5 किलो प्याज लेकर आ पाएंगे? नहीं ना ला पाएंगे, क्या होगा? अब हम सिर्फ 1 किलो ही प्याज ला पाएंगे। बात मेरा समझ रहे हो? तो जब प्राइस बढ़ा और मेरा नोट तो सेम था, खर्चा तो सेम था, सारा कंजम्पशन घट गया। ये चीज उल्टा होगा, यानी अगर प्राइस बढ़ जाए, सॉरी प्राइस अगर घट जाए, मान लो सोना 5 रुपए किलो हो जाए और हम मार्केट जाएंगे 500 का नोट लेकर, बाप रे बाप 100 किलो सोना लेकर आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आप इसको यहाँ पे भी ऐड कर दो, ये हो गया आपका पार्ट टू। वो जो था वो पार्ट वन था, ठीक है? फोर पार्ट्स आ गए। इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस फोर पार्ट्स, पूरा चैप्टर ऐसा क्लियर हो जाएगा ना कि आप को ऐसा 3 साल से तैयारी, 5 साल से तैयारी ना, उसको भी इतना नॉलेज नहीं होगा। आई गारंटी यू, सिर्फ इसे एक क्लास का कर लोगे पूरा। पार्ट टू में हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर एक्सपेंडिचर सेम हो जाए, खर्चा सेम हो जाए, तो क्या होगा? प्राइस अगर मेरा ए से बी होता है तो कंजम्पशन मेरा बी से ए होगा। इसका एग्जाम्पल आप दिखा दो कि प्राइस अगर मेरा 4 से 5 हो जाए तो कंजम्पशन मेरा 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है जी? ओके जी, क्रिस्टल क्लियर? एक बार अपने आप को समझा भी देना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अपन लोग को एक्सपेंडिचर को सेम करना है। तो यहाँ पे भी आप देखो ए बी निकल कर आया, यहाँ पे भी आप देखो ए बी निकल कर आया, सेम हो गया। यहाँ पर भी आप देखो 20 निकल कर आया, यहाँ पे भी आप देखो 20 निकल कर आया, सेम हो गया। इसी चीज को सेम करने के लिए रिवर्स हो जाता है रेशियोस। गॉट माय पॉइंट? नाउ पार्ट टू और पार्ट थ्री दोनों इससे हम लोग का बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पार्ट टू। लिख लिया आप ये? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए लिखिए क्वेश्चन। तुमको अच्छा से पता है लेकिन हम आपको अच्छा से फ्रेमिंग किया हुआ, जो एग्जाम में पूछा एकदम वैसे ही बता। बोलता है कि द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 20%। जो चीनी का दाम है, द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 20%। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मार्केट में क्या हुआ है, जो चीनी का दाम है उसमें 20% का बढ़ोतरी हो गया है। आप इतने समझदार हो कि अब चीनी कम आएगा, ठीक है भाई? How much percent should the consumption be reduced? By how much percent should the consumption be reduced? कितना परसेंट से कंजम्पशन को घटाएंगे so that the expenditure does not change? So that the expenditure does not change. So that the expenditure does not change. इसी क्वेश्चन में हम लोग 4 से 5 सवाल बना देंगे। ओके डियर, पूरा का पूरा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अब अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड का भी नहीं है। सीरियसली बोल रहे हैं, 5 सेकंड का भी नहीं है। बस आपको समझना क्या है, देखो सबसे पहले आप पहला लाइन पढ़े, प्राइस मेरा 20% बढ़ गया, यानी आप लिख दिए प्राइस 5 से 6। बिल्कुल, प्राइस इसमें दिक्कत नहीं है कि प्राइस अगर 20% बढ़ गया तो दिस मींस कि जो प्राइस है वो मेरा 5 से 6 हो गया है। ठीक है जी? ओके, आपको ये बोल रहा है कि कंजम्पशन में कितना कमी आएगा कि आप मिडिल क्लास हो जाए। हम इस क्वेश्चन को मिडिल क्लास क्वेश्चन का नाम दिए हैं। मिडिल क्लास में क्या होगा, वो बोले थे मिडिल क्लास हम लोग क्या करते हैं, इनकम तो बढ़ता नहीं है तो खर्चा कैसे बढ़ेगा? खर्चा तो तब बढ़ेगा ना जब आमदनी बढ़े, आमदनी तो सेम है तो खर्चा भी सेम रहता है। तो मिडिल क्लास में क्या होता है, खर्च नहीं बदल रहा है। और अभी हम लोग पढ़े ना क्या कंसेप्ट पढ़े, कि अगर एक्सपेंडिचर खर्चा नहीं बदले, खर्च अगर एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो अगर प्राइस मेरा ए से बी तो कंजम्पशन ऐसे रिवर्स, यानी बी से ए, दिस मींस 6 से 5। बस सम सॉल्व हो गया, इतना सा क्वेश्चन है। अगर प्राइस 5 से 6 होगा तो कंजम्पशन क्या होगा, 6 से 5, यानी कितना का डिक्रीज हुआ, 1 का। और हमेशा किसके ऊपर, ओरिजिनल के ऊपर। ओरिजिनल कौन होता है, लेफ्ट वाला।
माइनस का वन किसके ऊपर, छ के ऊपर, के को जब कुत्ता ऑल्सो नोस कि 1/6 क्या होता है 16 2/3% डिक्रीज. आई होप यू गॉट इट वेरी वेरी वेल. इफ यू अंडरस्टूड इट जस्ट टेल मी द आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय, यहां पे अब आप 25% कर रहे हो, बाय हाउ मच परसेंट, सब सेम है, आंसर बता दो, क्लियर हो जाएगा पूरा तरह से. सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्टली आपको भेजेंगे होमवर्क, आप देख लेना. बस बात यही है, यही क्वेश्चन आपको पता नहीं था तो आपको टफ लगता होगा, लेकिन अब आप समझ गए, बस आपको इजी लगने लग गया. ठीक है, बस वही बात है. एक्चुअली ये चीज दुनिया में हर जगह अप्लाई होता है. गिटार भी आप पहली दफा बजाओगे ना, ये उंगली बहुत पेन करता है, बहुत ही ज्यादा. आपको लगेगा यार क्या है, हमसे गिटार नहीं बज सकता, ओ माय गॉड. लेकिन आप थोड़ा दिन बजाने लगोगे ना तो ये उंगली पता नहीं कैसे पेन को ना बियर करने लग जाता है. उसके बाद आप गिटार बजाओ कोई एकदम कोई फील ही नहीं होगा क्या है. पहले पहले बार हमको अजीब सा लगता था, लेकिन फिर आप एक टाइम ऐसा आता है लगता ही नहीं उंगली एकदम, मतलब एकदम क्या बोले, उस पेन को ना सहना सीख जाता है. सेम मैथ्स के साथ भी है, स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन जैसे ही आप समझ लोगे ना एक एक चीज तो पूरा एकदम हलवा लगने लगेगा पूरा का पूरा सिस्टम. आप सोचो ये क्वेश्चन कितना आसान है, बट स्टिल कितना कम लोग इसको, और किसमें डाउट हो जाता है बच्चों को, पता नहीं क्यों. अब देखो क्वेश्चन में कुछ है, प्राइस 25% बढ़ गया, यानी प्राइस क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए, प्राइस हो गया मेरा 4 से 5. अब क्योंकि मिडिल क्लास का सवाल है, मिडिल क्लास में क्या होता है, ना इनकम बढ़ता है ना खर्चा बढ़ता है. तो मिडिल क्लास है भाई, ना इनकम बढ़ेगा ना खर्चा बढ़ेगा, मतलब जितना पैसा मार्केट लेके जा रहे अभी भी लेके जाएंगे. कुरिया कुत्ता तो फुकाटा नहीं है, आपको ही पता है भाई, अगर पैसा उतना ही लेके जा रहे हो और सामान का महंगाई तो बढ़ गया है, यानी आइटम प्राइस बार कम आएगा, यानी 5 से 4. तो कितना का डिक्रीज आया बोलो, 1 का डिक्रीज किसके ऊपर, 5 के ऊपर, यानी 20% डिक्रीज. गॉट माय पॉइंट, मस्त, सबको समझ में आ गया. तीसरा सवाल भी ऐसा ही है, कोई चाप नहीं लेना, एकदम एग्जाम में हम आपको भेज देंगे, आप देख लेना, सॉल्व हो जाओगे कि यार इतना ईजी है. The price of sugar is increased by 14 2/7%. 14 2/7%. कितना परसेंट कंजम्पशन को घटाएंगे कि एक्सपेंडिचर हो जाए मिडिल क्लास वाला. चलिए बताइए. 20 20 20. Fantastic. Thank you everyone. इससे मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपको पूरा टॉपिक बहुत प्यार से एकदम समझ आ रहा है. अब आप इसका आंसर दो और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. Come on dear, जल्दी जल्दी ऐसे मत करो, सेम तो है. इस बार क्या होगा, प्राइस जो है वो 7 से 8 हो गया, 7 से 8 हो गया, तो कंजम्पशन क्या होगा बोलो. मिडिल क्लास का सवाल है, यानी ना तो खर्चा बढ़ेगा ना ही इनकम बढ़ेगा, तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, यानी 8 से 7. 8 से 7 होने का मतलब क्या है डियर, कि 1 का कमी आया ओरिजिनल 8 के ऊपर, 12.5% डिग्री. Getting it or not? Clear it or not? Got it? Super. Ekdam crystal clear. Are you happy? Are you ready? Satisfied? Are you ready? Jabardast. Thoda change kare question. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आया था क्या, फर्स्टली आंसर्ड बाय पीयू, देन वी हैव तुषार, देन वी हैव समरीन, एंड देन वी हैव रिंकी. चलिए ग्रेट जॉब, आगे बढ़ते हैं. ओके नेक्स्ट, थोड़ा ट्विस्ट है, देखो देखना, उम्मीद है आप डरोगे नहीं. चलो बना के दिखाओ. तो बोलता है कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी of a commodity rises from rupees 6 per kilo to rupees 7.5 per kg. पहले 6 रुपया दाम था जो भी आलू चीनी वाड़ा रहा है, अब उसका दाम बढ़कर कितना हो गया, 7.5. ठीक है जी, आगे बढ़े. If the expenditure do not increase,
मिडिल क्लास बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल कर आया इस क्वेश्चन के लिए। अब इसको पता है, आज से पहले हम इसको कभी मिडिल क्लास वाला आया नहीं, आज पढ़ाते पढ़ाते क्लास में ही निकला है और बहुत सही एग्जांपल है इसको समझने के लिए। आपको कभी भी डाउट हो आप ऐसे बोलना, मिडिल क्लास वाले लोग क्या ना तो इनकम बढ़ता है ना खर्चा बढ़ता है, वही सेम कॉम्प्रोमाइज में जीवन, भी मिडिल क्लास वाले हैं, वैसे इशू नहीं है, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन बड़ा प्यार से समझ में आ रहा है कि मिडिल क्लास में क्या होगा, ना साला इनकम बढ़ेगा ना खर्चा बढ़ेगा, तो खर्चा तो उतनी करना है, अब क्या होगा, लोग कम आएंगे, इनवाइट कम करना है, ठीक है। मतलब ऐसे ही ना होता है, लोगों में तो ऐसे ही होता था, ठीक है, कुछ भी ऐसा। चलो, प्राइस में कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 से 7.5 इफ द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, इफ द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, फाइंड परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन, फाइंड परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन। डरे नहीं ना आप लोग, डरने का तो कोई इसमें बात नहीं है, पता नहीं क्यों हम जब भी पढ़ाते तो ये वाला क्वेश्चन देखकर बच्चा घबरा जाता है, पर हमको तो हमको समझ नहीं आता ये क्वेश्चन और जो इससे पहले का 3 क्वेश्चंस था, there is no any difference between these among this, किसी में भी किसी में कोई भी अंतर था ही नहीं सारे सवालों में, तो फिर क्यों ही डरने का बात है। क्वेश्चन बोल रहा है प्राइस जो है वो 6 से 7.5 हो गया, बस आपको यहाँ पे छोटा सा काम करना है। अब वो कितना बार ये बात बोले, रेशियो मतलब एक प्यार वाला रिश्ता, तो रेशियो कभी भी पॉइंट वॉइंट में हो सकता है नहीं ना, तो आप पॉइंट हटाओ, ये बन गया 60, 15 का टेबल चल रहा है, 15 से 4 बार में, 15 से 5 बार में। अब ये सवाल वही तो बन गया कि जो प्राइस है वो मेरा 4 से 5 हो रहा है, और क्वेश्चन किसका है, मिडिल क्लास वाला सवाल है, यानी ना इनकम बढ़ेगा ना खर्चा बढ़ेगा। तो ऐसे केसेस में अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन क्या होगा डियर, घट जाएगा, यानी रिवर्स कर दीजिए, तो 5 से भैया 60 कहां से लिखे, नेहा 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 वेरी बैड, 6 से 7.5 हुआ था, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो नहीं आएगा, पंद्रह से चार बार में, 15 से 5 बार में, कितना है 4 से 5, तो कंजम्पशन 5 से 4, यानी 1 का डिक्रीज हुआ, 5 के ऊपर 20% इज आवर उत्तर। दारुण दुर्दान, तो क्रिस्टल क्लियर, लेट मी चेक द फर्स्ट आंसर, ओके अगेन पीयू, वेरी गुड पीयू, उसके बाद समरीन एंड देन वी हैव स्वर्णदीप, ओके चलिए, बाकी लोगों को लगता है इसमें दिक्कत हो गया, आई टोल्ड यू, यही बात है ना कि एग्जाम में भी देखो यही होता है, आपको तो सब कुछ आता ही है, अब एग्जामिनर क्या करेगा आपसे, यही क्वेश्चन अगर 25% हम दिए थे तो आप बना दिए, ये छोटा सा ट्विस्ट कर दिया एग्जाम ने, ये भी एग्जाम का ही है, तो देखो आप थोड़ा सा गड़बड़ा गए, यही तो नहीं गड़बड़ाना है ना, आप क्या सीखे थे कि जो भी प्राइस का चेंज होगा, बस रेशियो तो लिखना था, काट के रेशियो लिख दिए 4 से 5, तो कंजम्पशन 5 से 4, तो भयंकर वाला क्लियर कर दिए यार, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप अगला सवाल तो मुंह से बना दोगे, आई नो दिस, बोलते हैं द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹750 पर किलो, 750 रुपए प्रति किलो चांदी आता था, और अभी आ रहा है ₹900 प्रति किलो, ₹900 प्रति किलो, पूरा का पूरा सेम है, आंसर आपको बताना है और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और इसी के साथ पार्ट 2 खत्म होता है। जल्दी से इसका आंसर करिए, पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है, अब हम लोग मूव कर रहे हैं पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 से याद आया शेड्यूल, सबको याद है ना, तीसरे शेड्यूल में क्या है बोलो, जल्दी से कोई बताइए, तीसरा शेड्यूल में क्या है, सबसे पहले तो आया देश, फिर आया देश को चलाने वाले, फिर कौन आएंगे थर्ड में, कमऑन क्या होता है थर्ड में, थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जल्दी 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 फास्ट, एक भी नहीं आ रहा है, भूल गए, थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तीसरे शेड्यूल में तीसरी अनुसूची क्या कहती है, तीसरी अनुसूची में क्या है जी, पहले देश आया, फिर देश को चलाने वाले आए, फिर वो लोग क्या लिए, वेरी गुड पीयू, शपथ, ठीक है,
ओथ एंड एफर्मेशंस, वेरी वेरी गुड, चलो गुड जॉब। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सीट मिला, एलोकेशन, उसके बाद पिछड़ी जाति, एसटी एसए, ममता से प्यार हुआ, छह खत्म, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स के बाद क्या, ब्रेकअप, क्यों, लैंग्वेज से, तो 7 में डिवीजन ऑफ पावर, 8 में लैंग्वेज, 9 में एक्ट्स एंड रेगुलेशन, कबीर सिंह, 10 में एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, 11 में पंचायत, और 12 में बोलो म्युनिसिपैलिटी। इतना ऑसम, आज तो नहीं, अभी हम बोलेंगे, चलो इसको पहले कंप्लीट करवा, अरे मैं रेडी, इतना थके हुए आप सोच नहीं सकते, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट, बट ठीक है चलो कोई नहीं। आज पता है कुल्टी वाले इंस्टीट्यूट में अंधेरा में क्लास हुआ है, आज ऐसा था कि 30 जन बैठे थे, पूरा अंधेरा कंप्लीट, क्योंकि सामने आ गया फिर से तूफान, मेरे को तो आज भी डर लगा कि ऑनलाइन क्लास होगा नहीं होगा, टेंशन हो गया था, पर ठीक है घर आए लाइट आ गया, अब 30 जन बैठ के फ्लैश जला के ऐसे बैठा था गजब एकदम, बहुत भयंकर, पोल वोल गिर गया था, फिर आज कल भी गिर गया था ऐसे, पूरा एकदम स्पॉटलाइट में क्लास हुआ है, ऐसा लगा था कि मतलब कॉन्सर्ट चल रहा है, 30 मोबाइल ऐसे हाथ में, 30-40, और हम अकेले बोर्ड के पास, मुझे नहीं पढ़ाएंगे तो आज पक्का, इतना आप आते इतना दूर से पढ़ाना तो है ही यार, मजा आ गया। चलो ये क्वेश्चन तो आप क्लियर हो गया होगा, प्राइस मेरा 750 से 900 हो गया, अगर आप ये देखोगे डर लगेगा, काट दो, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, यानी प्राइस मेरा 5 से 6 हुआ, मिडिल क्लास का सवाल है, कंजम्पशन घट जाएगा, मिडिल क्लास वाले लोग जब दाम बढ़ जाता है हम लोग सामान कम कर देते हैं भाई, तो 6 से 5 1/6 यानी 16 2/3, मस्त ना, हेवी एकदम, कितना प्यार से देखो, दो दो पार्ट क्लियर हो गया, होप यू आर लाइक इट। हम लोग चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर, जो पार्ट में हम आपको गारंटी लिख के बोलते हैं 99% बच्चा को डाउट रहता है, 99% सीजीएल 2021 में आप देखोगे अगर 21 शिफ्ट में 21% का क्वेश्चन आया, जिसमें कि हर शिफ्ट में एक आता है, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस ये वाले टॉपिक से है, नॉट 1 नॉट 2 नॉट 3 नॉट 4 बट 5, पांचों क्वेश्चन आप बना लोगे अगर आप ये समझ गए, इतना प्यार सबको समझाएंगे ना, आप देखना ये वाला जो कंसेप्ट है ना, अगला वाला किसी को पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, पता नहीं अब है ऐसा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, बट मेरे से आप ये पढ़ो आज, फिर आप बोलना मेरे को। देखो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप क्वेश्चन समझो क्योंकि बताने को कुछ नहीं है, पढ़िए क्वेश्चन, बोलता है अ रिडक्शन ऑफ पार्ट 3 का नंबर 1, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, A reduction of 20% in the price of sugar enables a middle class family to buy 5 kg more sugar, ठीक है, फॉर रुपीज 320, हम जान उसके हम मिडिल क्लास फैमिली लिख देता, आपको ये एग्जांपल से हमेशा जीवन भर के लिए याद हो जाए, ₹320, फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, ये टॉपिक में बहुत बच्चों को डाउट होता है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये टॉपिक इतना इजी है, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आता क्यों ही डाउट है इसमें, पर ठीक है चलो हम आज आपको एकदम क्लियर कर देंगे लाइफ टाइम के लिए, बस 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, बट नहीं 1 मिनट तो लगेगा, समझना पड़ेगा ना पहले, 10 सेकंड तो सॉल्व करने में लगेगा बट पहले तो समझना होगा ना। चलिए पहले हम लोग सवाल समझते हैं, ठीक है, बहुत प्यार से सुनिएगा, एकदम स्टोरी के साथ समझाते हैं। देखो एक मिडिल क्लास फैमिली था, बहुत प्यारा, हम लोग में प्यार बहुत होता है भाई, मिडिल क्लास तो क्या हुआ, खुश है हम लोग, संतुष्ट हैं, सब कोई तकलीफ नहीं है ना, चल तो एक मिडिल क्लास फैमिली क्या देखता है कि एक दिन ना मार्केट में जो चीनी का दाम है उसमें 20% का कमी हो गया, तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, दिस मीन्स कि मार्केट में क्या हुआ है, जो भी चीनी का मूल्य है, प्राइस है, उसमें 20% का गिरावट हो गया, ठीक है चल, ठीक,
अब मिडिल क्लास फैमिली है भाई, आप जानते हो इनकम तो बढ़ नहीं रहा है तो खर्चा भी नहीं बढ़ेगा, नॉट दैट पॉइंट। तो जितना पहले खर्च करते थे अभी भी उतना ही कर रहे हैं। पहले भी हम लोग 320 रुपया लेकर ही मार्केट जाते थे और अभी भी 320 लेकर ही जा रहे हैं, क्योंकि भाई इनकम तो सेम है हर महीना का। तो हम लोग का लिस्ट बना हुआ है कि चीनी मार्केट जाना है कितना लेकर, 320 रुपया लेकर। यानी ये जो 320 है ये नहीं बदल रहा है, 320 क्या है, एक्सपेंडिचर, यानी जो मेरा खर्चा है एक्सपेंडिचर है वो नहीं बदल रहा है। अब आप देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, अगर एक्सपेंडिचर नहीं बदल रहा है तो अगर प्राइस में कमी आ रहा है तो कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। प्राइस में अगर कमी आ रहा है डियर, तो इट्स ऑब्वियस कि कंजम्पशन बढ़ेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन में इतना प्यारा सा कुछ है ही नहीं करने का। देखो जैसे क्वेश्चन बोला हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ सुगर, यानी जो प्राइस है सुगर का उसमें 20% का गिरावट हो गया, यानी 5 से 4। उम्मीद है आप गुस्सा नहीं हो, अब बहुत खुश हो मेरे ये वाला लाइन लिखने से। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ सुगर 5 से 4। आगे बढ़े, देखो यहां पे आपको ये बात समझना है कि जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है। पहले भी अपन 320 रुपया खर्च करते थे, अभी भी अपन 320 रुपया ही खर्च करते हैं मिडिल क्लास। तो इसीलिए प्राइस अगर मेरा 5 से 4 हो रहा है तो कंजम्पशन क्या होगा, बोलिए, 4 से 5। इसका मतलब है मेरे हिसाब से अगर पहले हम लोग 4 किलो चीनी लाते थे तो अभी कितना किलो ला रहे हैं, 5 किलो। पहले से कितना ज्यादा, एक ज्यादा। यार पहले 4 किलो चीनी अभी 5 किलो चीनी, तो पहले से कितना ज्यादा, एक ज्यादा। पर क्वेश्चन बोल रहा है, देखो पर क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग पहले से एक नहीं 5 किलो ज्यादा चीनी लाते हैं। इनेबल्स टू बाय 5 kg मोर सुगर, यानी एक नहीं 5 किलो ज्यादा चीनी लाते हैं। इससे कितना गुना, इससे 5 गुना, 5 टाइम्स। तो जो ओरिजिनल पहले जो चीनी लाते थे ये भी 5 गुना 20 किलो उत्तर हो गया, 20 किलो उत्तर हो गया। अब अगर आपसे ये पूछते कि बताइए फाइन पहले ओरिजिनली कितना किलो चीनी खरीद के लाते थे, तो आपका आंसर आ गया कि पहले हम लोग 20 kg ऑफ चीनी लाते थे। फिर से पूरा प्रोसेस करते हैं, 20% का रिडक्शन, प्राइस 5 से 4, एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजम्पशन 4 से 5। कितना का इंक्रीज हुआ, एक का। पर क्वेश्चन बोल रहा है एक नहीं 5 kg मोर, इससे 5 गुना। तो जो पहले चीनी लाते थे ओरिजिनल ये भी 5 गुना 20 किलो आंसर होता अगर हमसे कंजम्पशन पूछता, पर हमसे कंजम्पशन नहीं पूछ रहा, हमसे बोलता है प्राइस बताओ 1 किलो का। आप एक बात बताओ, आप कभी मॉल जाते हो कोई सा भी एप्पल लेने या कुछ भी, तो क्या वहां ऐसा लिखा होता है 17 किलो का दाम 1700 रुपया, तो नहीं होता। कभी भी कोई आपको प्राइस बोलेगा तो वो 1 किलो का बोलेगा ना। तो अब आप ये निकाल दिए कि हम लोग 20 किलो चीनी बाबू 320 रुपया में खरीद के लाते हैं, क्या निकला, 20 किलो चीनी 320 रुपया में खरीद के लाते हैं, पर हमको तो 1 किलो का बताना है। तो 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 16 बार, 1 kg का दाम 16 रुपीज। यही इस सवाल का उत्तर है। अब इसको क्लियर करो, पानी लेकर आते हैं, पानी तो नहीं है, पीकर आते हैं। प्लीज इसको क्लियर करिए, इतना प्यार से समझा दिए ना, इस पे आप बोल रहे ना 2021 सीजीएल में 5 क्वेश्चंस है, 5 बन जाएगा। डाउट में लग रहे हैं आप लोग, एक बार और करें, चलो खोल रहे हैं। बोलता है रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ सुगर, यानी जो प्राइस है 5 से 4, कंजम्पशन 4 से 5,
पहले से कितना बड़ा, एक पर क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सक्यूज मी, एक नहीं बड़ा, 5 केजी बड़ा, इससे कितना गुना, 5 गुना, तो जो ओरिजिनल में चीनी लाते थे ये भी 5 गुना, 20 किलो आंसर होता अगर हमसे कंजम्पशन पूछता, पर हमसे कंजम्पशन तो नहीं पूछा ना, मेरे से ये पूछ रहा है कि प्राइस बताओ, तो 20 किलो चीनी कितना में लाते थे, 320 रुपया में, तो 1 किलो चीनी कितना में लाएंगे, 16 रुपीस आगे आंसर। किसी को अगर हल्का सा भी एक तो सा भी डाउट है ना, वेट करो, 1, 2, 3 सवाल है आपके लिए मेरे ओर से, और होमवर्क तो अनगिनत है, तो मतलब चलो अब आप अगला वाला बनाओगे विदाउट माई हेल्प, हम आपको समय देंगे 2 मिनट, और अगर आप उसका आंसर दे दिए तो हम एकदम चवन्नी मुस्कान आ जाएगा। इसका आंसर कोई दे पाए थे, पीयू नो, रिंकी नो, इसका आंसर कोई नहीं दे पाए, इसी से आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन हम क्यों बोल रहे थे, ये ऑल इंडिया डाउट में से एक है, पता नहीं क्या है बच्चों को समझ नहीं आता होगी, आप खुद देखिए, पर अब आपको समझ आ गया है, पर आई होप कि अब आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। तो चलिए अब आपका टेस्ट शुरू होता है, अगला का सारा क्वेश्चन आप खुद करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, ड्यू टू अ प्राइस हाइक ऑफ 20%, ड्यू टू अ प्राइस हाइक, हाइक मतलब हाइकिंग करते हैं ना, पहाड़ में चढ़ते हैं ना, तो हाइक का मतलब इंक्रीज हो गया कोई चीज, हाइक हो गया ऑफ 20%, 20% 4 केजी लेस हो गए, प्राइस बढ़ गया है, कंजम्पशन घटेगा, समझ में आ रहा है, 4 केजी लेस हो गए, 4 केजी लेस शुगर, 4 केजी लेस शुगर इज अवेलेबल फॉर ₹120, इज अवेलेबल फॉर ₹120, प्राइस बढ़ने के कारण 4 किलो चीनी कम मिलता है ₹120 में, फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, कम ऑन यार, आई विल बी वेरी मच हैप्पी, पिछला क्वेश्चन एक भी नहीं दिए थे ना, इस बार सभी को आंसर दीजिए, फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, पर केजी, चलिए हम इंक भरते हैं, तब तक आई एक्सपेक्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग, आप सब उत्तर दो, एक्सपेक्ट का जो गर्दा सिनोनिम पढ़े से भूल गए, Come on, मेरे मुंह में आप लोग को चवन्नी मुस्कान नहीं दिखना, don't want me to blush, I will blush only if 100% answer comes from me, 100% people, if 100% people will answer, then only I feel happy, right? Because I taught you the complete concept, I guarantee you, पक्का बोल रहे, कोई भी सवाल आप लाके फेंक दो, भयंकर मुंह से सॉल्व हो जाएगा, चलो let's start, question बोलते हैं कि जो price है, उसमें 20% का हाइक होता है 5 से 6, तो कंजम्पशन में क्या होगा, कमी आएगी, आएगी कि नहीं, यानी कि डियर 6 से 5, यानी मेरे हिसाब से अगर पहले 6 किलो चीनी आता तो अभी कितना आ रहा है, 5, कितना कम हो गया, 1, पर क्वेश्चन बोल रहा है 1 किलो नहीं, 4 किलो चीनी कम आया, इससे कितना गुना, 4 गुना, तो ओरिजिनल भी 4 गुना, 24 किलो आप लोग निकाल दीजिए, हम लोग सब निकाल दिए कि जो ओरिजिनल मेरा कंजम्पशन है शुगर का वो है 24 किलो, आपसे अगर पूछता कि बताओ ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है तो आप बोल देते 24 kgs, बट क्वेश्चन में पूछ रहा है प्राइस बताओ, तो 24 किलो चीनी खरीद के लाने में कितना पैसा लग रहा है, 24 किलो चीनी खरीद के लाने में ₹120 लगता है, तो 1 किलो चीनी लाने में कितना लगेगा, 5 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर है, बोलो कितना प्यार से आप सीख गए, यही क्वेश्चन कुछ देर पहले आपको डाउट था क्योंकि नहीं आता था, अब आपको आ गया तो कितना आसान हो गया,
वाह यार, हम लोग तो दिल जीत लिए। पीयू, स्वर्णदीप, समरीन, नेहा, रिक्की, तुषार, क्या बात है यार, जब कर दौड़ा दिया, इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। ऐसे तो नहीं कि छाप छाप दिए एक दूसरे का, ऐसा काम मत करना प्लीज। चलिए ओके डियर, सुपर। एक और क्वेश्चन फेंकते हैं, कम ऑन, आई होप यू विल सॉल्व इट टू। When the price of sugar decreases by 10%, जब खाली चीनी खरीदता है कहाँ रही हो? When price of sugar decreases by 10%, जब price of sugar में 10% का गिरावट आ जाता है, okay, a man could buy 3 kg more sugar. एक आदमी जो है, a man could buy 3 किलो मोर सुगर फॉर रुपीज 540, फॉर रुपीज 540। ध्यान से, फाइंड न्यू प्राइस ऑफ सुगर, फाइंड न्यू प्राइस पर केजी ऑफ सुगर। बाबू ध्यान से, थोड़ा ट्विस्ट है, न्यू वाला पूछा है, हिंट क्या है, राइट वाला पूछा है, बता दीजिए। चल सेम तो है यार, जल्दी इसको खत्म करिए। Come on, price 10% घट गया, 10 से 9 कंजम्पशन बढ़ेगा, 9 से 10 कितना कंजम्पशन बढ़ा, एक पर क्वेश्चन बोल रहा है, एक नहीं 3 किलो बढ़ा, इससे 3 गुना। यहां तक तो आप करो यार, यहां तक तो पूरा हम सॉल्व कर दिए, लास्ट का 2 लाइन आपसे नहीं हो रहा है। चलो आंसर आ गया है, सबसे पहला आंसर आया था, बहुत पहले ही आ गया था, पीयू का ना। यस, वेरी गुड पीयू, देखो पीयू का तो पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। व्हाट अबाउट यू गाइस? अरे बेटा कुछ नहीं है बाबू, अगर ओरिजिनल पूछ रहा था तो ओरिजिनल वाला निकाल रहे थे, इस बार न्यू पूछा है तो न्यू वाला निकालो ना। अगर ये 3 गुना तो ये भी 3 गुना, 30 kg आ गया, यानी अभी हम लोग 30 kg शुगर खरीद के लाते हैं, पैसा तो सेम ही रहेगा, तो 30 किलो चीनी कितना रुपया में, 540 रुपया में, तो 1 किलो चीनी कितना मिलाएंगे, 0 0 3 से कट गया, 18 रुपीज आ गया आंसर। फर्स्टली आंसर्ड बाय पीयू, वेरी गुड पीयू, फैंटास्टिक, फिनोमिनल, स्प्लेंडेड, मार्वेलस, चलिए इम्पेकेबल। तुषार ऑल्सो, रिंकी ऑल्सो, नेहा ऑल्सो, जबरदस्त। पार्ट 3 का आखिरी सवाल, आज इतना क्लास स्मूथ हुआ है ना, मतलब क्या बोले, हद से ज्यादा स्मूथ, आइस वाला आइसी स्मूथ क्लास हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर भी पता है आपको कितना कुछ पढ़ लिए, हम लोग गारंटी देते, पता है 4-5 साल जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको भी टॉपिक समझ नहीं आता कॉम्पिटेटिव वाला, और आप ये टॉपिक इतना प्यार से समझ लिए हो कि आपको इस टॉपिक का कोई भी सवाल देंगे आप कर दोगे यार, चुटकी बजाकर। हाँ एक पार्ट बचा है, पार्ट 4, उसको करने के बाद तो 100% खत्म। चलिए पार्ट 3 का आखिरी सवाल, 4 नंबर, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल, अ रिडक्शन, चलो कुछ नया टेस्ट आया, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल। एप्पल से याद आया, एप्पल से दो इडियम्स है, बता देते कभी मत भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इडियम है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, और दूसरा इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर। दो इडियम होता है एप्पल वर्ड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कभी नहीं भूलोगे आप। पहले हम लोग इसका बात करते, एप्पल पाई ऑर्डर। देखो मान लो आपके घर में कोई सिस्टर है या कोई भी लड़की होती है, अगर आप उसको 4 गो एप्पल दोगे, ठीक है, छोटा एप्पल, एक बड़ा एप्पल, एक मीडियम एप्पल, एक बहुत बड़ा एप्पल,
ठीक है आप वो पढ़े होंगे, आधा ए फोर आधा एप्पल, बी फोर बड़ा एप्पल, सी फोर छोटा एप्पल, डी फोर दो एप्पल, ठीक है ई फोर एक एप्पल। तो उन लोगों को अगर एप्पल दोगे ना तो लोग क्या करेंगे बताए, आप सजा सजा के रखेंगे, एक एप्पल दो एप्पल, आप लड़की लोग देखोगे रूम वगैरह एकदम सजा के रखती है वो लोग सामान। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कि जब आप सामान को सजा सजा के रखते हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज है। तो इससे आपको याद रखना है गर्ल्स, ये वाले एडियम जब भी आप देखो तो आपकी एग्जाम्पल याद करना कि गर्ल्स जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, वो अपने सामान को एप्पल पाई ऑर्डर में रखती हैं, यानी एकदम परफेक्ट ऑर्डर में। इसी का ऑपोजिट इडियम होता है एट, सिक्सेस एंड सेवेंस। अब इसका बड़ा मस्त बताते हैं, हम लोग लड़का लोग क्या करते हैं, हम लोग घर आए बैग इधर फेंक दिए, जूते उधर फेंक दिए, सॉक्स उधर फेंक दिए, सब इधर उधर फूतल, कोई फर्क नहीं किधर भी। तो हम लोग जो लड़का लोग होते हैं वो सामान का छक्का छुड़ा देते हैं, छक्का छुड़ा देते, इधर फेंक देते उधर फेंक देते हैं। तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब होता है छक्का छुड़ाना, मतलब इस याद करने का ट्रिक है, ऐसे ही इडियम्स याद करेंगे, याद करते हैं हम, ताकि हमको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता और एग्जांपल के थ्रू सब समझ आ जाता है। तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस छक्का छुड़ाना, यानी लड़का लोग जो होता है वो अपना सामान का छक्का छुड़ा देता है, इसका मतलब होता है अनऑर्गेनाइज। तो इसका आपको याद रखना है बॉयज, कि लड़का लोग अपना सामान को सिक्सेस एंड सेवेंस छक्का छुड़ा के रखता है, छक्का छुड़ा देता है सामान को एकदम ऐसे फेंक फाक के, इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मैनर, अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड या फिर परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर। ये बड़ा मस्त मन में आ गया, ये दोनों एंटोनिम्स है, दोनों ही सीएचएसएल में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, दोनों का दोनों। एप्पल पाई ऑर्डर, लड़की लोग अपना सामान एप्पल पाई ऑर्डर में रखती है, और एट सिक्स एंड सेवन छक्का छुड़ाना, लड़का लोग छक्का छुड़ा के रखता है सामान, इधर तीधर फेंक देता है, छक्का सत्ता फेंक देता है, छक्का छुड़ा देता है सामान। अब आता ये वाला एप्पल एंड डिस्कॉर्ड, एक लड़की थी सीला, उसे राहुल और प्रेम बहुत प्यार करता था, हद से ज्यादा प्यार। सीला बिचारी बहुत अच्छी थी, वो राहुल से भी बात करती थी और प्रेम से भी बात करती थी। एक दिन प्रेम और राहुल एक दूसरे का फोन देख लिए, उसके बाद क्या हो गया, प्यार में मार हो गया, ठीक है। तो इस जो मार हुआ इसका वजह कौन थी, सीला ही तो थी। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई, और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि लड़ाई का वजह, यानी सीला बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर या बिटवीन राहुल एंड प्रेम, गॉट इट। तो लड़ाई का जो वजह होता है रीजन ऑफ क्वेरल, रीजन ऑफ क्वेरल या फिर लड़ाई। तो जो क्वेरल रीजन होता है किसी भी डिस्कॉर्ड लड़ाई का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मस्त, तीन मिनटियां अचानक से याद आ गया तो बता दिए, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके वापस आए, अ रिडक्शन ऑफ, पूछेंगे किस दिन याद रखिएगा, क्या क्या पढ़ा है, An apple of discord, Sila became an apple of discord between Rahul and Prem. ठीक है, तो Sila का एक लड़ाई का वजह बन गए, apple of discord, discord मतलब लड़ाई और apple reason है वो, समझे, discord का। चलो, और apple pie order, girls keep their things in apple pie order. Sixes and sevens छक्का छुड़ा के रखते हैं, boys keep their things in at sixes and sevens. Super, ठीक है, चलो हाँ, ultimate 42 idioms पढ़ा दिए इसी तरह से एकदम अच्छा से। देखो ऑनलाइन क्लास में नहीं हो सकता ये सब चीज, क्योंकि लिख नहीं ना सकते इतना, वहाँ क्या है भेज देते हैं ग्रुप में, फिर आप वहाँ पे ऐसे पढ़ा देते, कभी कभी जीके पढ़ा दी, कभी इंग्लिश पढ़ा दिए, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग तो अपना है ही, वो तो हम तीन साल से पढ़ाते ही है। चलो, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स, क्या बोलता है, प्राइस में अगर रिडक्शन हुआ तो इतना तो गारंटी है कि एप्पल ज्यादा आएगा, है ना। इनेबल्स अ हाउसवाइफ, इनेबल्स अ हाउसवाइफ, enables a housewife to buy 10 more apples for rupees 200, 10 more apples for rupees 200, ठीक है। आपको बताना है find reduced price of apple, find reduced price of apples per dozen, find reduced price of apples per dozen। तू क्या करे, ऐसे ही याद रहता है, अभी तो ये तो कुछ नहीं है, आप आगे पढ़ोगे ना, इतना गर्दा गर्दा एग्जांपल बनाई कुछ कहने का नहीं। हाँ, तो हम लोग के तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक तो यही है ना, अल्टीमेटली प्यार गोल तो यही है ना, नौकरी करके यहाँ देखो सब, स्वर्णदीप भी तो वेट ही कर रहा है, नौकरी लगेगा तब जाके हाथ मांगेंगे उसका, है कि नहीं।
सबको इसी का तो इंतजार है। तो कहीं ना कहीं एवरीथिंग लाइफ में रिलेटेड प्यार से ही तो है। प्रेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं हम लोग, क्यों ही तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल में एक आस, एक इच्छा तो है ही, समझ रहे हैं ना। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रेम है, सबसे पावरफुल चीज भी प्रेम ही है, और सबसे डिस्ट्रक्टिव चीज भी प्यार ही है। प्यार हो तो दिक्कत, ना हो तो भी दिक्कत, और हो के ना हो तब तो बहुत ऐसे दिक्कत, ऐसे हद से ज्यादा दिक्कत। चलिए ओके डियर, मेरे को आंसर दिख रहा है फिर से पीयू का। समरीन वेरी बैड, ऑलवेज कमिंग सेकंड, बाई सेकंड, कभी तो फर्स्ट आइए। गुड जॉब पीयू, गुड जॉब रिंकी, वेरी गुड, फैंटास्टिक, मार्वेलस। सो रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स, नेहा का कोई अता पता नहीं है। नेहा को लगता है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नेहा बोल रही है मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हो। बट कंजम्पशन 4 से 5, ठीक है, यानी मेरे हिसाब से कितना ज्यादा, एक ज्यादा पर क्वेश्चन बोल रहा है, एक नहीं 10, एक नहीं 10, इससे 10 गुना, क्योंकि नया रिड्यूस वाला पूछा है तो ये भी 10 गुना, 50 एप्पल्स निकाल दिए, यानी अपन 50 एप्पल खरीद के ला रहे हैं। कितना रुपया में बताओ, 200 रुपया में। तो अगर 50 एप्पल का दाम 200 है तो एक एप्पल का दाम कितना होगा, 4 रुपीज, 4 रुपीज। अगर एक पीस एप्पल का दाम पूछते तो उत्तर आता 4 रुपया, पर आपसे एक पीस का दाम नहीं ना पूछा डियर, आपसे पूछ रहा है पर डजन का दाम। एक डजन में कितना एप्पल होता है, 12 ही तो होता है, तो अगर एक का दाम 4 रुपया तो 12 का दाम 48 आ गया आंसर। इसी के साथ ये टॉपिक डिवास्टेट होता है, ठीक है, ज्यादा आप चाप मत लो। लास्ट टॉपिक बहुत ही सिंपल है और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, उसको भी खत्म कर देते हैं ताकि ये टॉपिक पूरा तरह से खत्म हो जाए। अगर पेंडिंग बच जाएगा तो फिर समझ रहे हो ना, फिर कल मजा नहीं आएगा, इसको एंड करके ही जाने में भलाई है। तो अब आप हेडिंग लगा दो पार्ट 4, ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ये आप PhD कर लिए प्राइस कंजम्पशन। एनी क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू आंसर। नहीं आ रहा है, आंसर भी आ रहा है, मूड ऑफ है। काहे नेहा, काहे मूड ऑफ है आपका, बोलिए क्या क्या हुआ। चलिए आगे बढ़े, चलिए पार्ट 3 भी खत्म, पार्ट 4 भी खत्म ही कर लेते हैं ना, क्या अभी करते हैं। चलो पार्ट 4 में भी कुछ पढ़ाने को नहीं है, लेकिन बस यही है पार्ट 4 में आपको बता दे होगा क्या। पार्ट 4 में ये होगा प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको अभी तक हम लोग क्या सीखे, ये गिवन ये गिवन ये पूछ रहा है। पार्ट 4 में जानते हैं क्या होगा, आपको ये गिवन होगा, आपको ये गिवन होगा, आपसे कंजम्पशन पूछेगा, बस ये बना लीजिए। आप जब भी देखोगे आपको समझ आ जाएगा पार्ट 4 का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि आपको प्राइस गिवन होगा, आपको एक्सपेंडिचर गिवन होगा, आपसे कंजम्पशन पूछेगा। चलिए पहला सवाल करते हैं पार्ट 4 का। क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 20%। चीनी से नफरत हो गया हमको। द प्राइस ऑफ सुगर, प्लीज, हमको पता है आप भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, पता है जब एक ही टॉपिक इतना ज्यादा हो जाता है तो फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। इनको ही नहीं, देखो ये लास्ट टॉपिक है, इसको कंप्लीट करके जाना, ठीक है। चलिए द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 20%। एक ही चीज सुगर, प्राइस, कंजम्पशन, मूड खराब हो गया ना, कोई बात नहीं। चलिए एंड में आप उनको जो इंटरेस्टिंग बता दे जाएंगे, जितना भी स्टेट्स और यूटीज है, कौन कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुआ, सारा आपको बता के चले जाएंगे, ठीक है। इतना प्यार से बताएंगे ना, अब बस 5 मिनट देखोगे आपको याद हो जाएगा, ओनली 5 मिनट्स में। चलो द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। चलो एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, इज रिड्यूस्ड बाय 20%। देखिए क्वेश्चन बदला, अभी तक जितना क्वेश्चन किए थे क्या उससे डिफरेंट है, एब्सोल्युटली डिफरेंट है। देखो आपको प्राइस के बारे में बता दिया, देखो आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बता दिया, क्या पूछेगा बोलिए, कंजम्पशन ही तो पूछेगा, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड, बाय हाउ मच परसेंट
कोई है इसको सॉल्व कर दे, शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड, फिर ट्राई करिए तो आप इसको, शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड। समीर आप भी ट्राई करो। नेहा चली गई क्या? नेहा नहीं जाती, छोड़ के क्लास। कौन चल गया? बहुत कम हो गए जी, पोलो में बहुत एब्सेंट करती है, पता नहीं क्या हो गया, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है वो, बहुत ही ज्यादा, और सीएसएल में बहुत अच्छा मार्क्स आती है, मार्क्स में हमेशा 130 प्लस आता है उसका, इसलिए उसका इंग्लिश बहुत ही अच्छा है, 44 45 ऐसा स्कोर रहता है उसका आउट ऑफ 50। पता नहीं क्या हो गया, इतना इरेगुलर हो गई है जब से नया बैच ज्वाइन की है। समरीन 3:2, समरीन क्या कह रहे हैं यार? पर समरीन यू आर राइट, क्योंकि आपका आंसर आ रहा है, बस आप उसको परसेंटेज में नहीं बोल रहे हो जो कि यू बोल चुकी है। फिर से समरीन आप सेकंड हो गए हो। चलिए कोई बात नहीं, गुड जॉब पीयू, ग्रेट जॉब इनफैक्ट। चलिए बाकी लोग क्लियर करते हैं। अरे कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगेगा और मैथ भी लगेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो प्राइस है ना वो 20% बढ़ गया, यानी 5 से 6। कंजम्पशन तो पता ही नहीं है तो डैश डैश दे दीजिए, डैश डैश पता ही नहीं है तो क्या देंगे। एक्सपेंडिचर जो है वो 20% घट गया, यानी 5 से 4, 5 से 4 ऐसे ही बनाना है आपको। फिर से बना देते हैं, लो एकदम डाउट मत करना। प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया, यानी 5 से 6। कंजम्पशन जो है वो 20%, अरे सॉरी कंजम्पशन तो पता ही नहीं, छोड़ो। एक्सपेंडिचर जो है वो 20% घट गया, यानी 5 से 4। अब वो करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करते थे बचपन में, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। कैसे भरो? 5 के टेबल में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 5 आ जाए? तो एक बच्चा बोला 1, बिकॉज 5 1 = 5। बोले वेरी वेरी गुड, एब्सोल्युटली परफेक्ट। 6 के टेबल में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 बन जाए? तो देखो ध्यान से देखना और ये चीज सीखना, हमको 6 को क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो क्योंकि 4 बनाना था तो 4 दे दिए, 4 बनाना था 4 दे दिए, और 6 को हटाना था इसलिए 6 से भाग कर दिए। एक बार और देखिए, ध्यान से देखिए, 6 को हमको क्या बनाना है, 4 बनाना है, तो 4 दे दिए और 6 को हटाना है ना इसलिए 22 कर दिए। तो नया रेशियो क्या आ जाएगा बोलो? 1:2, 2/3, 3 इधर आएगा, यानी 3:2, 3:2। तो जो कंजम्पशन हुआ वो हुआ 3 से 2, यानी कितना का रिडक्शन आ गया, 1/3, मतलब 33.33%। बोलिए इज इट क्लियर? मस्त, ये हो गया बेसिक। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन पहले आप करो तो उसके बाद अपन हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं प्राइस, ये एक नंबर था। दूसरा क्वेश्चन, प्राइस में बोलता है 20% इंक्रीज हो जाए, 20% इंक्रीज हो जाए, और एक्सपेंडिचर में 10% डिक्रीज हो जाए, एक्सपेंडिचर में 10% डिक्रीज हो जाए, आपको बताना है कंजम्पशन क्या होगा। प्लीज नहीं सके, प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया, यानी 5 से 6। कंजम्पशन फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सपेंडिचर क्या हो गया 10 से 9। फिल इन द ब्लैंक्स भरिए, 5 के टेबल में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे 10 आ जाए, तो आप बोले 2। 6 के टेबल में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे 9 आ जाए, कैसे सिखाए थे? 9 चाहिए तो 9 दे दिए, 6 हटाना है तो 6 से डिवाइड कर दिए, 3 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 2 बार, यानी आ गया 2:3/2, 2 इधर आ गया, यानी 4:3, 4:3, कितना का डिग्री आया, 1/4, यानी 25% आया था। क्या आंसर? फर्स्ट आंसर फ्रॉम समरीन,
नींद में है, वाह 4:3 पी क्यों ऐसे बोल रहे हैं, परसेंटेज ना बताना है। देखिए स्वर्णदीप का आंसर आया वेरी वेरी गुड, हमको लगा सिर्फ कंजम्पशन निकालना है, आपको हमेशा ऐसे ही बताना होगा कि कंजम्पशन में क्या चेंज आया। थोड़ा क्लियर हुआ, एक लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ क्लास खत्म होता है, ठीक है जी, लास्ट खत्म करते हैं सेशन। प्राइस जो है आखिरी क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास, 40% बढ़ गया, 40% बढ़ गया और जो एक्सपेंडिचर है वो 30% घट गया, 30% घट गया, आपको कंजम्पशन का बताना है। चलिए आखिरी सवाल, इसको एंड करिए और क्लास को भी खत्म करते हैं, वाइंड अप कर देते हैं, इसी के साथ सारा चारों टाइप खत्म हो गया, कितना स्मूथली पढ़ा दिया सारा, पता है आपको ये सारा साला कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज है आप जान नहीं पाओगे, आप कभी और देखना कोई और वीडियो कोई और लेक्चर तब आपको समझना है, लेकिन अब आप एक ही क्लास ये वाला कर लिए ना हमेशा लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो गया नोट्स के साथ। चलो इसका आंसर हम वेट कर रहे हैं, पीयू का ही आएगा क्या सबसे पहले, पीयू का ही आया है, वेरी गुड पीयू, पीयू ही तो है, बाकी लोग आप लोग तो कुछ क्या ही बोले हैं। चलिए ठीक है, तो प्राइस क्या होगा, 5 से 7, कंजम्पशन फिल इन द ब्लैंक्स, और एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 10 से 7, तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे 10 आ जाए 2, और 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे 7 आ जाए 1, नया रेशियो क्या आया 2:1, यानी कितना का डिक्रीज हो गया, आधा का, 50% इज आवर आंसर, 50% इज आवर आंसर। पर रुकिए, ये तो हो गया बेसिक, यार आप हमारे पास आए हो तो कुछ तो दुनिया से अलग सीखोगे, हम आपको एक ऐसा ट्रिक सिखाते हैं, ट्रिक है ये बहुत करदा वाला, जिससे इस तरह का क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन, जहां ध्यान से पीयू ये बात समझिएगा ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो वाला चीज जो आप सिखा रहे हो वो सीख लोगे ना तो ये सब क्वेश्चन के लिए पेन तो छोड़ो ब्रेन भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व होगा, लेकिन सीखना पड़ेगा। देखो ये चीज जो आप सिखाएंगे वो कब लगता है, वो तब लगता है जब हमको ये पता हो बीच वाला गायब हो, कोई भी ऐसा सम चल रहा हो जहां हमको ये पता हो बीच वाला गायब हो, ये पता हो एक्सपेंडिचर पता हो बीच वाला गायब हो, जैसे कि लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर एरिया होता है ना, अगर हमको ये पता हो ब्रेथ गायब हो तब भी ये जादू लगेगा, जादू क्या है, बहुत तगड़ा जादू है, इतना तगड़ा कि क्या बोले, कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको। देखो कैसे, पहले क्या चीज आया था, ये दोनों बता देते हैं आपको क्लियर हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, देखिए आपको करना कुछ नहीं है इस तरह क्वेश्चन में, आप 100 लिख दो, सिंपल क्या करो 100 लिख दो, पहले कितना का चेंज आया था 20%, तो 20% ऊपर कर दो, प्लस का 20% 120, दूसरा क्या बोला एक्सपेंडिचर 10% डाउन कर दो, माइनस का 10% यानी 90, अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो ऊपर वाला 120 आया ये हो गया ओसी, और ये जो नीचे वाला आया ये हो गया सीसी, हैं ओसी सीसी क्या है, ओसी मतलब नॉट ऑफिशियल चॉइस प्लीज, ओसी का मतलब है ओरिजिनल कंजम्पशन, ठीक है ओरिजिनल कंजम्पशन, और सीसी का मतलब करंट कंजम्पशन, बस सम सॉल्व हो गया डायरेक्ट एकदम हवा में, तो पहले 20% आया मतलब 120 था कंजम्पशन, और अब 90 हुआ यानी 90 हो गया, तो कितना का डिक्रीज आया 30 का, किसके ऊपर 120 के ऊपर, 1/4 यानी 25% आया था, 25% इतना कहानी की, तो 25% आया, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अब इस चीज को यहाँ अप्लाई करते हैं थोड़ा जल्दी से, पहला चेंज क्या आया 40% डाउन, 100 लिखे 40% 140, 30% डाउन 30% 70, 140 से अगर 70 हुआ है तो कितना घट गया, 70 घट गया, 140 के ऊपर आधा 50% खत्म। तो ये वाला ट्रिक है, जादू है, इसको हम बोलते हैं ओसी सीसी, सीसी में ओसी मिला के पीएंगे कंसेप्ट, ठीक है, तो ओसी सीसी कंसेप्ट हम लोग का अपना है, तगड़ा कंसेप्ट है, मतलब ऐसा कंसेप्ट यू विल नॉट फाइंड दिस इन एनी बुक, इतना ऑसम कंसेप्ट है कि आप इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, मुंह से ही सॉल्व कर देंगे। फिर से हम एक बार जल्दी से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है जल्दी से दोनों का सम आपको बना के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है, आप 100 लिख दिए, पहले क्या चीज चेंज आया 20% 120, फिर 10% डाउन 90, पहले कंजम्पशन 120 था अभी 90 है, कितना घटा 30, 120 के ऊपर 1/4 डायरेक्ट आंसर आ गया 25%, इसमें भी अप्लाई करिए 100 लिख दिए, पहले क्या हुआ 40% यानी 140, फिर क्या हुआ 30% डाउन यानी 70,
140 से हो गया 70, माइनस का 70 बटा 140 आधा 50%, फिनिश्ड। ठीक बोलिए, क्लियर बोलो, हैप्पी, खुश, मस्त, ठीक है। ऑल फोर पार्ट्स ऑफ प्राइस एंड कंजम्पशन इज डिस्ट्रॉयड नाउ, यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट प्राइस एंड कंजम्पशन। आई गारंटी यू एनी क्वेश्चन इज नॉट देयर विच यू कैन सॉल्व। हर क्वेश्चन आप कर दोगे, हर हर एक सवाल। आओ कुछ नहीं करना, आप बस फोन लेके रिलैक्स हो जाओ, लेटना है लेट जाओ, कुछ मस्त आपको एकदम ट्रिक बता दे रहे हैं, याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट्स हुआ है, ठीक है, उसमें से जो भी स्टेट्स और यूटी के लिए हुआ हम आपको बता रहे हैं, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप बस देख लो, याद हो जाएगा, नोट्स बाद में बना लेना। देखो सबसे पहले आएगा दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। देखो एक काम करें, सारा लिख देते हैं, उसके बाद एक शब्द बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। फिर आएगा आपका दमन एंड दीव, फिर आएगा आपका क्या था यार, नागालैंड, ठीक है। फिर आएगा आपका पुडुचेरी, ठीक है। फिर आएगा आपका अमेंडमेंट्स का बात कर रहे हैं हम लोग, अमेंडमेंट्स हेडिंग में मिटा देते हैं, हेडिंग फालतू में, चलिए 105 अमेंडमेंट सारा थोड़ी पढ़वाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है टुडे। हम लोग अभी आपको कवर करा दे रहे जितना भी स्टेट्स और यूटीज के लिए अमेंडमेंट हुआ, आप बस देखो आपको अपने आप याद हो जाएगा। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, नागालैंड, पुडुचेरी, ठीक है। फिर आता है आपका पंजाब, पंजाब स्लैश चंडीगढ़ स्लैश हरियाणा, क्योंकि पंजाब को ही तीन टुकड़ा में बांटा गया था 1966 में, जिसको पंजाब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट बोलते हैं, वो हम लोग का टॉपिक नहीं है, आप वेट करो। नेक्स्ट है मेघालय, कुछ छूट जाएगा तो किसी और दिन बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्किम, नेक्स्ट है आपका मिजोरम, नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट है आपका गोवा। कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं गोवा, बस देखो इतना आपको अभी 5 मिनट के अंदर पूरा याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, दादरा नगर हवेली। हम लोग क्या करेंगे, जितना भी स्टेट्स है यूटीज है उसका एक एक वर्ड पकड़ेंगे और उस वर्ड के थ्रू गेम कर देंगे। देखो कैसे, एग्जांपल हवेली, तो हम लोग दादरा एंड नगर हवेली आपको जब भी दिखा आप बोलोगे हवेली में, आप देखो हवेली में कौन रहता था, आप जाओ स्टार्टिंग में हवेली में कौन लोग रहते थे, हवेली राजा लोग ही तो रहते थे, राजा रानी लोग, तो आप ऐसे बोलोगे हवेली में कौन रहते थे, राजा, ठीक है। हवेली में राजा लोग रहते थे, और राजा का कौन होती थी, दास होते थे, दासी होती थी, राजा के होता है ना दास लोग होता है ना, तो राजा का कौन होता था, दास होता था, दासी होती थी, दास से आपको याद करना है दस, 10th अमेंडमेंट दादरा एंड नगर हवेली, तो दास से निकला दस, गॉट इट डियर। आप बस देखो आपको अपने आप याद हो जाएगा, आप बस ये स्टोरी याद रखना, तो दादरा एंड नगर हवेली, हवेली में कौन रहते थे, राजा लोग, राजा कौन होता था, दास, तो दास से आ गया 10, यानी 10th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट आते हैं दमन एंड दीव, दमन आपको एक वर्ड याद रखना है, दामन, अगर आप बिहारी हो तो हम बोलते हैं दामन का मतलब होता है आंचल, पल्लू, ठीक है, दामन संभाल के रखो, दामन मतलब आंचल मतलब ऐसे पल्लू, तो दामन से आपको याद रखना है पल्लू, ठीक है। पल्लू किन के सामने लेंगे, बड़ों के सामने, पल्लू किसके सामने लेंगे, आप समझ रहे ना, पल्लू अपने एज में थोड़ी लेंगे, पल्लू किसके सामने लेंगे, बड़ों के सामने, बड़ों से आपको याद रखना है 12, ठीक है, बड़ा 12, यानी 12th अमेंडमेंट दमन एंड दीव, ठीक है। आप खाली देखो, आपको देखना लास्ट में सब याद हो जाएगा। तीसरा आता है नागालैंड से आपको याद रखना है नाग, कौन से गॉड के ऊपर रहता है, नाग किसके ऊपर रहता है, कमॉन शिव जी के ऊपर, तो नाग से फिर गए हम लोग शिव के ऊपर, और शिव का आप सुने होंगे कि शिव के तीन आंख है, 1, 2 और एक तीसरा आंख है, अगर वो खुल जाए तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, तो शिव जी का 3 आंख है,
इसलिए उनको त्रिनेत्र बोलते हैं। नेत्र मतलब आईज और त्रि मतलब तीन, तो तीन आईज है तो त्रिनेत्र बोलते हैं। त्रिनेत्र से आपको याद रखना है 13th अमेंडमेंट नागालैंड। मस्त, नेक्स्ट आते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी से आपको याद रखना पद, पद पद मतलब हिंदी में फुट होता है, पद मतलब हिंदी में होता है पैर, पैर पैर मतलब फुट होता है। फुट से आपको याद रखना है 14, कितना फुट 14, फुट 14, फुट 14, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पंजाब। पंजाब से आपको याद रखना है जॉब, जॉब क्या याद रखना है जॉब। अब आप खुद बताओ गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, आपका आंसर आ गया होगा वही होता है यानी 18th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट आते हैं मेघालय। तो मेघालय से आपको याद रखना है मेघ, मेघ यू मस्ट नो मेघ आशे झोर आशे, तो मेघ मतलब होता है बादल, बादल 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 से आपको याद रखना है बारिश, बारिश और बारिश में से अगर आप आर हटा दो तो आ जाएगा 22, 22, 22 माने 22, 22nd अमेंडमेंट एक्ट इज फॉर मेघालय, गेटिंग इट। नेक्स्ट आते हैं सिक्किम। सिक्किम में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर्स है, कितना लेटर है 6 लेटर्स है, अगर आप 6 का स्क्वायर कर दो तो 36, 36th अमेंडमेंट एक्ट में सिक्किम को ऐड किए। नेक्स्ट आता है मिजोराम, राम, तो मिजोराम में आपको भगवान का नाम मिलेगा राम, राम आप सुने होंगे राम जी वनवास गए थे माता के कई के कहने पर, तो राम जी गए थे वनवास, कहाँ गए थे वनवास, जब राम जी वनवास में गए तो उनके जो पिताजी थे दशरथ जी वो तड़पन में चले गए, कहाँ चले गए तड़पन में, तड़पन में जाएंगे ना बेटा चला जाएगा यार तड़पन में जाएंगे, तो तड़पन में चले गए और तड़पन से आपको याद रखना है तिरपन, क्या याद रखना है तिरपन, तिरपन तिरपन को हिंदी में मतलब तिरपन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं 53। Once more, मिजोराम, राम, राम कहाँ गए वनवास, पिताजी कहाँ पहुंचे तड़पन में, तड़पन मतलब तिरपन यानी 53। नेक्स्ट आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल से आपको याद रखना है रन, दिख रहा है यहाँ पे कर दे रहे हैं अरुणाचल वाला, तो अरुणाचल से आपको याद रखना है रन, रना रना अरुणाचल रन, रन हम लोग कब करते थे, क्या हम लोग अभी रन करते हैं, रन हम लोग करते थे जब हम लोग बच्चे थे बचपन में, यानी रन से आपको याद रखना है बचपन, बचपन बचपन से आपको याद आ जाएगा पचपन, पचपन पचपन माने 55th अमेंडमेंट एक्ट अरुणाचल प्रदेश। और लास्ट गोवा, गोवा से आपको याद रखना है गो वन, गो वन, वन का मतलब होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तो गोवा मतलब गो वन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जाएंगे तो क्या करेंगे छिपेंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे छिपेंगे, छिपना से आपको याद रखना है छप्पन, छप्पन यानी 56th अमेंडमेंट एक्ट फॉर गोवा। इस सारा स्टेट सारा यूटी आपको याद हो गया, अगर कुछ छूटा है तो हम चेक कर लेते हैं, एक ही साथ सारा कवर हो जाएगा। बस इतना ही है, खत्म हो गया। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, पहले आप मेरे साथ आप रिवाइज करो। चलो स्टार्ट करते हैं। दादरा एंड नगर हवेली, हवेली कौन रहते थे राजा लोग, राजा की कौन होती थी दास, दस आ गया आंसर। नेक्स्ट आते हैं दमन एंड दीव, दामन आंचल पल्लू किसके सामने बड़ों के सामने, बड़ो बड़ा 12 आ गया आंसर। नागालैंड, नाग किसके ऊपर शिव के ऊपर क्या बोलते हैं त्रिनेत्र 13 आ गया। पुडुचेरी पद फुट, फुट से 14 आ गया आंसर। पंजाब जॉब कब मिलेगा जब 18 इयर्स के हो जाए आ गया आंसर। नेक्स्ट आते हैं मेघालय, मेघ बादल बारिश 22 22nd अमेंडमेंट एक्ट आ गया आंसर। सिक्किम 6 लेटर 6 का स्क्वायर 36 आ गया आंसर। मिजोराम, राम गए वनवास में दशरथ तड़पन तिरपन 53 आ गया आंसर। अरुणाचल प्रदेश रन 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 अरुण रन कब करते थे बचपन में, बचपन यानी 55 55th अमेंडमेंट एक्ट। गोवा गो वन, वन मतलब फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में जाके छिपेंगे ना, छिपने से याद रखेंगे 56 56th अमेंडमेंट एक्ट। ये आपका सारा स्टेट सारा यूटीज कवर हो गया।
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, आप कभी मॉक दोगे आपको देख लेना इसमें से कितना लड़ने वाला है, आप सॉल्व हो जाओगे, आप देखना आपको ये सब कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, कोई ना किसी मॉक किसी ना किसी पेपर में। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े, ठीक है नेहा, हम क्या कर रहे थे आप, वाई हम, क्लियर हो गया सब सारा का सारा, बोलिए मस्त याद रहेगा, ठीक है ओके, क्या बोल रहे हैं नेहा, अब हम किक आउट कर देंगे ऐसे रिस्पांस दीजिएगा तो, ओके फोके क्या बोल रहे हैं, आई हेट सच फालतू रिस्पांस, हम मतलब नो मोर मैसेज। प्यू क्लियर, सबको क्लियर, ठीक है चलिए, प्यू तो चली गई लगता है, ओके ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं, ओके बाय।